A very warm welcome to all of you. I'm एम नीरू आज कल हम अपनी कुंडलिनी एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमें अपने इस शक्ति के ऊपर काम करना और अप वन बाय वन फ्रॉम द लास्ट वीडियोस वी आर यू नो एड्रेसिंग एवरी गेटवे क्योंकि जो हमारे जो चक्रास हैं वो क्या हैं वो हमारे पाथवेज हैं और हमारी नाड़ी जो हैं स्पेशली इड़ापिंगला एंड सुशमना ये हमें हेल्प करती हैं जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है उसको राइज करने में टू तो आर शिवा कॉन्शियसनेस तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया अपने रूपचक्रा के बारे में और उसके इम्पॉर्टेंस के बारे में अगर आप में से अभी भी किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे देन प्लीज़ डू सो एंड देन कम ऑन दिस वीडियो क्योंकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे तो आज हम बात करेंगे स्वादिष्ट थाना चक्रा की जो बहुत ही क्लोजली यू नो सिचुएटेड है मूलाधार के इसका कलर जो है वो ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है इसका बीच मंत्रा वम होता है छह पैटल्स होते हैं जिनकी अपनी हर पैटल की एक अपनी एग्जिस्टेंस और इम्पॉर्टेंस होती है इसकी लोकेशन जो है वो at द एंड ऑफ our स्पाइनल कॉलम एट द लेवल ऑफ टेल बोन अगर फ्रंट में हम सेंटर में अपनी एक हाथ की फिंगर से अपने प्यूबिक बोन को प्रेस करें जस्ट राइट इन सेंटर एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरे हाथ से जस्ट उसके बिल्कुल पीछे एट द सेम स्पॉट अगर हम प्रेस करते हैं थोड़ी देर और उसको फिर छोड़ दें तो आप एक वाइब्रेशन या सेंसेशन फील करेंगे एंड दैट इज द राइट स्पॉट फॉर स्वादिष्ठान चक्रा स्वादिष्ठान चक्र जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कुंडलिनी अवेकनिंग नॉट ओनली इन कुंडलिनी अवेकनिंग एक्चुअली ऑल द चक्राज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर्स एंड दैट इज वाई इट इज ऑलवेज सेट कि जब हम अपना इनर वर्क करते हैं तो अपने चक्र से कनेक्ट करें वहां देखें क्या हो रहा है जब हमारी शक्ति जो है वो स्वादिष्ठान चक्र में एंटर करती है तो देर इज एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंसेस जैसे मूलधारा में क्या होता है जो हमारा रूट चक्र है जो कारमाज है दे आर ऑफ लोअर स्टेज ऑफ आर इवोल्यूशन हैपन्स एंड मैनिफेस्ट आउट देयर

जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है वहाँ पर कुछ भी इस तरह की कॉन्शियस एक्टिविटी या मैनिफेस्टेशन नहीं है दिस प्लेस इज कॉल्ड हिरण्य गर्भा मीन्स द यूनिवर्सल वोम्ब वेयर एवरीथिंग एग्जिस्ट इन अ पोटेंशियल स्टेट और ये माना जाता है कि जो स्वादिष्ठान चक्र है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा जो हिंड्रेंसेस हैं वो इसी चक्रा में क्रिएट होती हैं जब हमारी कुंडलिनी शक्ति राइज होती है बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनिज़ को भी सबसे ज़्यादा टाइम आ, इसी चक्रा में को हील करने में लगाना पड़ा इवेन गौतम बुद्धा यू नो व्हेन ही वाज सिटिंग अंडर बोधी ट्री फॉर एंड वेटिंग फॉर हिज और वर्किंग फॉर हिज एनलाइटनमेंट ही स्ट्रगल्ड इन दिस चक्रा अलाट वाई क्योंकि ये चक्रा जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड रहता है सबकॉन्शियस माइंड क्या है सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो माइंड है जहाँ पर हमारी जो भी मेमोरीज हैं जो भी हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं नॉट इवन इन दिस लाइफ टाइम ऑल द लाइफ टाइम्स दे आर एम्बेडेड दे आर क्योंकि जो हमारा सब <coughs> कॉन्शियस है उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है इट्स लाइक अ चाइल्ड आप एक बच्चे को जो भी बोलते हैं या वो जो भी देखता है उसी को सच मानता है तो इसी तरह जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वॉट एवर एक्सपीरियंस डेट गॉन थ्रू इन एनी ऑफ आर लाइफ टाइम इट कीप्स मेमोराइजिंग एंड दिस माइंड होल्ड्स एम्ब्रियोनिक एंड चाइल्डहुड मेमोरीज ऑल्सो जभी भी एक चाइल्ड अपनी uh, गर्भ अपनी मदर के गर्भ में आता है बूम में आता है सो वॉट मदर इज गोइंग थ्रू हाउ शी इज़ बींग ट्रीटेड उनके अपनी इमोशनल स्टेट कैसी है अपनी मेंटल वेलबींग well कैसी है जो बच्चा है वो एवरीथिंग जस्ट कीप्स एब्जॉर्बिंग एज इट इज विदाउट एनी बायस और वो हमारी प्रोग्रामिंग बन जाता है इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक हम में ये स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं आती स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं आती और हम खुद से कनेक्ट करना नहीं सीखते हमारी लाइफ जो है वो एक ऑटोमोटिव मोड पर चलती रहती है कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स वहाँ पर पड़े होते हैं ऐसी प्रोग्रामिंग पड़ी होती है ऐसी मेमोरीज पड़ी होती है जिसका हमें नहीं मालूम होता फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक TV देख रहे हैं तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो मोस्ट ऑफ द चीजों को थोड़ी देर के बाद या एक दिन के बाद, दो दिन के बाद हमारा सब कॉन्शियस माइंड है इट होल्ड्स ऑल द मेमरीज एज इट जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ वन प्रोग्राम और यही वजह है कि कई बार जब हम ये बोला जाता है कि जब आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं कम से कम और अगर कंप्लीटली uh, आप इन चीजों से दूर रह सकें वॉचिंग न्यूज अननेसेसरली स्पेंडिंग टाइम इन टॉकिंग विद अदर्स सोशलाइजिंग टू मच और वॉचिंग यू नो टी वी और ऑल दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स क्योंकि जब भी, भी हम ये कुछ कर रहे होते हैं वो सब हमारी मेमोरी में स्टैक होता रहता है अदर देन दैट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है इट टेक्स केयर ऑफ डे एंड नाइट ऑफ आर सर्कुलेशन रेस्पिरेशन डाइजेशन एसिमुलेशन यू नो इट इज ऑल रन बाय आर सबकॉन्शियस माइंड सो आर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वे मोर देन आर कॉन्शियस माइंड एंड इट हैज पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन लेकिन अगर हमारे सब कॉन्शियस के पास गलत बिलीव सिस्टम हैं गलत एक्सपीरियंसेस हैं तो यू नो एज आई सेट इट्स लाइक अ चाइल्ड इट इज आर इनर चाइल्ड इट्स वेरी इ रैशनल इट डोंट हैव जजमेंट और क्लैरिटी टू नो वॉट इज राइट वॉट इज रॉन्ग सो so, आप हार्डवर्क करते रहेंगे लेकिन क्योंकि आपके सबकॉन्शियस के पास एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसमें अनवर्दीनेस है आई डू नॉट डिजर्व तो जो आप कर रहे हैं उसका आपको फल नहीं मिलेगा बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको नल वॉइड करता रहता है क्योंकि जो भी आपके पास्ट हर्ट हैं आपके पेन हैं आपके हैं, दैट स्केल्स द हेल आउट ऑफ यू एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट यू इट्स नॉट दैट सबकॉन्शियस माइंड आपको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है नहीं लेकिन जो उसके पास प्रोग्रामिंग है वो उसी से आपकी लाइफ को रन करने की कोशिश कर रहा है लाइक वी आर ऑलवेज इन यू नो फाइट एंड फ्लाइट मोड राइट right? अगर गलती से हमारा हाथ किसी गर्म चीज पे लग जाता है तो वी जस्ट यू नो हैंड गोज अवे बाई इट सेल्फ वी डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ थिंकिंग आउट देयर और इफ़ वी सी एनी डेंजर कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस वॉट वी डू वी रन इन द डिफरेंट डायरेक्शन तो सेम वे अगर हमारे पास कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग है सपोज आपने कुछ ऐसा किया जो जिसमें आपको फेलियर मिला राइट right. तो वो आपका एक प्रोग्रामिंग बन गया कि ये काम करने से यू नो आई कैन लूज माय मनी आई कैन लूज माय टाइम आई 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 एल फेस फेलियर सो एनीथिंग इन फ्यूचर यू वांट टू ट्राई आउट योर सबकॉन्शियस माइंड विल कीप कैंसलिंग एंड सिंग कीप सेंडिंग यू मैसेजेस नो नो देर इज अ ग्रेट डेंजर देयर डू नॉट गो देयर दैट्स हाउ इट रनस अगर आपके पास मेमरीज हैं इमोशनल एब्यूज की फिजिकल एब्यूज़ की You, uh, तो जो भी आपके पास अंदर है वो बार बार सब कॉन्शियस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करता रहता है इसीलिए यू आर नॉट एबल टू इवन मैनिफेस्ट एनी गुड रिलेशनशिप इन योर लाइफ राइट एंड नाउ इफ आई एल टॉक अबाउट द पीपल दो आर इन टू इन फिलिंग जर्नी यू आर यू नो स्टैंडिंग इन स्परेशन राइट नाउ बिकॉज दैट प्रोग्रामिंग इज इन साइड या डू नॉट डिजर्व द ट्रू लव और सच्चा प्यार नहीं मिलता है या आपकी लाइफ में अबंडस की कमी होगी क्योंकि वहां पर प्रोग्रामिंग है आपकी uh, पैसा पेड़ों पर पे नहीं उगता पैसा बहुत हार्डवर्क करके कमाया जाता है या पैसा सबके लिए काफी नहीं है या ज्यादा पैसा होने से आदमी की संगति बिगड़ जाती है सो दिस ऑल प्रोग्रामिंग कीप्स रनिंग इन योर सिस्टम विदाउट योर अवेयरनेस विदाउट पुटिंग एनी कॉन्शियस एफर्ट एंड ये जो हमारा सेंटर है

सीकरल चक्रा इज ब्लॉक्ड इफ देर इज अ सेक्शुअल अब्यूज इन योर लाइफ इफ यू रन अवे द मोमेंट यू यू नो लिसन दिस वर्ड सेक्स और यू कीप इंडल्जिंग विद रोंग पीपल तो जब भी हम अपनी सेक्शुअल एनर्जी को क्योंकि हमारी जो सेक्शुअल एनर्जी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल एनर्जी है इट हैज द्योरिटी एंड द कपेसिटी टू क्रिएट अ ह्यूमन लाइक अस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिएटिव लाइफ फोर्स लेकिन अगर आपने उस एनर्जी को गलत तरीके से यूज किया है अगर हमने सिर्फ एक लस्ट फुल सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज किया हुआ है सो दैट्स द कार्मा इज एम्बेडेड इन दिस चाक्रा राइट एंड वील ऑल बी ऑलवेज बी हैविंग ऑल दीज काइंड ऑफ फैटसाइज फैंटासाइजिंग अबाउट सेक्स दिस इज द Animalistic way of using our sexual energy. By saying that, I'm not saying that we should not use our sexual energy. Of course, we can. But where and how we are using it, what we are creating with it. Because this is the seat where we create. As I said, this is the universal womb. So, you. के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि आप किस तरह से अपनी सेक्सुअल लाइफ को देखते हैं आपकी क्या थिंकिंग है आपकी क्या बिलीव सिस्टम है वॉट यू हैव गॉन थ्रू मोस्ट ऑफ अस गो थ्रू यू नो सेक्सुअल अब्यूज और जब तक हम उसको हील नहीं करेंगे उसके साथ जो भी पेन है जो भी पैकेज है उसको हील नहीं करेंगे वी कीप अट्रैक्टिंग द एब्यूजिव रिलेशनशिप्स राइट एंड व्हेन वी हील दिस चक्रा यू सी ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग यू सी यू आर कमिंग बैक इन योर पावर तब हम सीखते हैं कि किस तरह से हम इस अपनी लाइफ फोर्स को एक तरह से मास्टर बनते हैं देन वी नो हाउ टू क्रिएट वॉट एवर वी वॉन्ट टू एवरी थिंग हाउ टू क्रिएट अ गुड रिलेशनशिप हाउ टू क्रिएट अ गुड बिजनेस और गुड जॉब हाउ टू कनेक्ट टू आर पैशंस हाउ टू कनेक्ट टू आर सोल मिशन And we start knowing ourselves in a better way rather than, you know, always in a uh, uh, judgmental nature, uh, you know, keep judging ourselves. And especially I'm talking about here, the uh, women, they feel so low about themselves. so my dear friends it's so very important to work on each and every gateway of our energy system and swadhisthana is one of them and it is very 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 important chakra to concentrate because you have to heal your emotional wounds your pain your past hurt we don't deserve that अगर आपको यू नो यू आर ऑलवेज इन मूड स्विंग्स आपके जो स्लीपिंग पैटर्नस हैं वो जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं हर चीज को अननेसेसरली अनलाइज करते हैं बार बार यू लिव मोर इन पास्ट देन इन प्रेजेंट अगर आपके अंदर एक सेंस ऑफ डीप लोनलीनेस है या अगर आप sexuality is women I have seen that saying that you know uh, it's good to be in a masculine body or in a uh, in a masculine energy. They have more liberty they are more powerful. no my dear friends. You are goddess. The only thing you have to learn how to be master of your own energy, how to clean it. हाउ टू क्लियर दैट पास्ट फूड हाउ टू क्लियर दैट शेम एंड गिल्ड वॉट यू हैव क्रिएटेड फॉर यूर सेल्फ बिकॉज जब तक सीक्रल चक्रा हमारा ब्लॉक रहता है जब तक यू टॉलरेट इनजस्टिस आपके पास यू डू नॉट हैव दैट डिफेंस अगेंस्ट एनी वर्बल इमोशनल और फिजिकल एब्यूज आपको नहीं आता कि अपनी बाउंड्रीज कैसे तय करनी है आपको नहीं आता कि आप अपनी यू नो सेक्शलिटी के साथ कैसे क्या, डील करें एनीबडी कैन कम एंड वॉक ओवर ऑन यू यू कीप फॉलिंग ब्लाइंडली इन लव बिकॉज यू डोंट लव योर सेल्फ आप हमेशा बाहर से क्रेव करते रहेंगे एंड अगर आपका ये चक्रा ब्लॉक है तो आप हमेशा एक एब्यूसिव रिलेशनशिप uh, को अट्रैक्ट करेंगे you will always be having lustful desires you will always be in fantasies of these uh, sexual dilemmas and a you know envy and hatred feeling that you'll be having towards yourself and others so it's very very important टू हील योर सबकॉन्शियस माइंड जितने भी आपके पास वूम्ड्स हैं आप उनकी हीलिंग करें एनीबडी वुड लव टू लर्न सिंसेरली एंड एज आई ऑलवेज से कि जब भी आप हीलिंग सीखें एक चीज को अपने दिमाग से निकाल दें कब होगा कितने दिन में हो जाएगी आई डोंट हैव दैट पैरामीटर टू गिव यू कितने दिन में क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने कितने दिन में इकट्ठा किया है यह सब नहीं द ओनली थिंग यू कैन डू स्कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ कंटिन्यूसली एंड येस वन थिंग इज फॉर श्योर कि जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे आप में अपने अंदर चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद इन योर सेल्फ यू विल बी मोर इन पावर आप सीखेंगे कि अपनी बाउंड्रीज कैसे तय करनी है और कब कंप्लीटली हील होगा इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यू नो आपका जो भी हमारा प्रीवियस uh, मेमोरीज है जो भी हमारा कारमा हमने अभी तक क्रिएट किया हुआ है जितना भी वहां पर एम्बेडेड है सो एनी वे बिफोर आई फिनिश दो this is the best gift this is the topmost way of loving yourself when you learn how to heal apni agar hai. you are more than welcome you have my numbers you have my email address contact me and i can help you as much as i know or anywhere you know it's not enough to just sit and you know do just 10 minutes or 20 minutes um, meditation or something like that though it's not a ritual what you are doing it's a deep cleansing what you are uh, you know um, your your option should be okay that's all you look after yourself heal yourself because we all deserve a wonderful life to live in and with our divinity, with our highest potential. Our sincerity, our dedication, and our love for ourselves will keep showing us the right path. Bye for now. I'm going to put a very short, sweet. Meditation on my Instagram to heal your sacral chakra. You can connect there and keep healing, keep loving yourself. See you in my next video for Manipura Chakra. Before I finish again, I'm very, very thankful to all of you, those who are connecting uh, with me on this platform and giving me a chance to. Share my own experiences with you all. Thank you.